नमस्कार, आवाज इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूँ सलोनी सुमित शर्मा। रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। आरोपी रामभद्र गबेल पिता दुर्गा प्रसाद गबेल उम्र 29 वर्ष साकिन जोजग निवासी के द्वारा पूरे क्षेत्र में नशीली दवाई बेचने की शिकायत लगातार पुलिस को मिल रही थी, जिस पर थाना प्रभारी रूपक शर्मा के द्वारा अपने उच्च न्याय अधिकारी अधीक्षक अभिषेक पल्लव द्वारा क्षेत्र में अवैध नशीली पदार्थों पर कार्यवाही हेतु निर्देश प्राप्त होते ही क्षेत्र में मुखबिरों के सक्रिय किया गया। मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई है रामभद्र गबेल द्वारा बड़ी मात्रा में नशीली दवाई बेची जा रही है। सूचना के संबंध में तत्काल वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया। पुलिस अधीक्षक अभिषेक पल्लव, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अनिल सोनी द्वारा त्वरित कार्यवाही करने हेतु निर्देश देने पर उनके मार्गदर्शन में थाना से टीम रवाना कर मुखबिर के बताए अनुसार मौके पर पहुंचकर गवाहों के समक्ष आरोपी रामभद्र गबेल के कब्जे से 100 शीशी प्रत्येक में 100-100 ml भरा कप सिरप बाजार मूल्य 14,000 जब्त कर आरोपी रामभद्र गबेल पिता दुर्गा प्रसाद गबेल उम्र 29 वर्ष साकिन जोजग थाना शक्ति जिला जांजगीर चांपा के विरुद्ध अपराध सबूत पाए जाने से एनडीपी की धारा एक्ट 21 सी के तहत अपराध पंजीबद्ध कर गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया। वहीं पुलिस विभाग को चाहिए कि आरोपी से पूछताछ की जाए, उक्त सिरप कहां से लाया जाता था और आरोपी द्वारा किन किन ठिकानों पर उक्त सिरप को बेचा जाता था, जिससे नशीली दवाई के व्यापार करने वालों पर लगाम लग सके। उक्त कार्यवाही में निरीक्षक रूपक शर्मा, उप निरीक्षक बीरबल रजवाड़े, आरक्षक संजीव शर्मा की सराहनीय भूमिका रही। हम भारत की जनता को श्रेय देना चाहेंगे, उत्तर प्रदेश की जनता, सभी चार राज्यों की जनता, जिन्होंने आज योगी जी को बहुत बड़ा आशीर्वाद दिया है और फिर से भारत देश भगवा में हुआ है। इसके लिए मैं सभी भारत देशवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। यह श्रेय पूरे देश की जनता को जाता है। यह जीत केवल भारतीय जनता पार्टी की ही जीत नहीं है, यह राष्ट्रवाद की जीत है, यह विकास की जीत है, यह मोदी योगी जी की जीत है, पूरे देश की जनता की जीत है। क्योंकि देश जो है राष्ट्रवाद चाहता है, विकास चाहता है और यूपी की जनता ने, उत्तराखंड की जनता ने यह सिद्ध किया है कि मोदी जी की लोकप्रियता लगातार बढ़ती जा रही है, योगी जी की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है।